Hare Rama, Hare Rama.
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे कल सायंकाल की वेला में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्मोत्सव यहाँ पंडाल प्रांगण में श्रीमद् भागवत जी में मनाया गया। नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से खाली करके दिखाई कल सायंकाल के वेला में बहुत धूमधाम से बड़े दिलदार के साथ शाम के आगे रात्रि होगी 3 बज गए बहुत बढ़िया से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देखना है पीछे है परमात्मा का प्रकट उत्सव मनाया गया। वो कर लेंगे तुम छोड़ दो। क्यों मनाया गया? क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तो सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड क्या होता है आनंदित हो जाता है। बहुत छोटा काम कर लेंगे। नंद के आनंद हो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद हो जय कन्हैया लाल की जय सारे ब्रजवासी आनंद में आ गए क्योंकि नंद के घर में लाला है गए तो सब लोगों ने मिलकर के नंद बाबा को मैया यशोदा को सारे ब्रजवासी सारे ग्वालवाल जाकर के बधाई दे रहे हैं। तो वहां क्या हुआ? श्री वसुदेव जी महाराज जिस कन्या को ले गए बालिका को ले गए और जैसे जेल में पहुंचे ताला कड़ियां गेट सब बंद हो गए सैनिक जाके बोले महाराज 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 है गए हो है गए हो गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज हुआ तो पर लाला ना भाई महाराज लाली है गई कैसे हो सकता है ये? हमारा सच बोल रहे हैं होना था लड़का हो गई बिटिया और कहते कंस गया मारने के लिए देवकी भैया बहुत रोई बहुत गिड़गिड़ाई भैया छोड़ दो मेरे एक ही बेटी है आपका बध करने वाला तो बेटा होगा तो बेटी होगी मुझे छोड़ दो इस बेटी के सहारे जीवन जी लूंगी मैं। तो कहते हैं ना क्रूर व्यक्ति जो होता है दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसकी एक ही पहचान उसके अंदर दया करुणा प्रेम बिल्कुल नहीं होता। क्रूर व्यक्ति की दुष्ट व्यक्ति की पहचान है बहुत रोई छुड़ा लिया एक झटके से और बोला मैं तो मारूंगा। एक सैनिक बोला महाराज मार ही दो देवताओं की माया भी तो हो सकती अभी लड़की है अभी लाली है लाल में लाला हो जाएगी तो कंस बोला तुम सही बोलते हो। कंस ने छुड़ा लिया और जैसे ही पत्थर में पटकने का प्रयास किया तो क्या हुआ अष्टभुजी देवी बनकर दुर्गा मां बनकर वो तो आकाश में उड़ गई। जय जय दुर्गा माँ उड़ गई आकाश में। अब क्या बोली? अरे दुष्ट अरे कंस अरे दुरात्मा अरे पापी अरे अधर्मी हम जैसे निर्बराध बालिकाओं को मारते हो जाओ तुम्हें मारने वाला तुम्हारा काल इस ब्रजमंडल में कहीं पर जन्म ले चुका है। माता रानी ने ऐसे बोला बड़ी स्तुति की अरे मैया जी माता रानी देवी जी मुझे माफ कर तो ये तो बताओ किस गांव में हुआ किस नगर में हुआ। माने कहा दुष्ट तुम जैसे पापियों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है बस ये समझ लो तुम्हारे पाप का घड़ा फुल होने वाला है भरने वाला है। और कह सके हाथ की उंगलियां आज ही बनी है जो विंध्यवासिनी में जो माता रानी है कहते वही माता रानी विंध्य पर्वत में जाकर बैठ गई और आज भी उनके चरणों में मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी भैया उनके पैरों में आज भी कंस के हाथों के निशान है वही मां जाकर के बैठ गई विंध्य पर्वत में। तो आइए एक मिनट माता रानी की स्तुति कर लें। अयि नंदिनी नंदितनी Hey, hey, hey.
और एक साल के खाने की व्यवस्था दी,
गायों के लिए एक साल के खाने की व्यवस्था कर दी। बोले ले जाइए पंडित जी, ब्राह्मण जी, साधु जी, संत जी, इतना दान किए। धेनु नाम यदि प्रति विप्रे सवन कृपा। तिल के तीन पहाड़ दिए, सोना से, चांदी से, तांबा से भर दिए। बोले ले जाइए पंडित जी महाराज, ऋषि मुनि महात्मा, बस हमें तो आशीर्वाद दे दीजिए। सारी गोपियां पहुंच गई नंद बाबा के द्वार पर, और नंद बाबा के द्वार में जाकर सब लोग क्या कर रही हैं? बधाई दे रही है। सारा ब्रज देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा वेदों के मंत्र मानो पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड भगवान को बधाई देने आ गया। क्यों? साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान आए हैं। और कहते हैं भगवान का जन्मोत्सव हो, राम नवमी हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, तो खूब धूमधाम से मन से तन से और धन से होना चाहिए। तन मन धन तीनों से भगवान की सेवा करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो नंद बाबा अति प्रसन्न है, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। परमात्मा स्वयं आए हैं, और जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? आनंद लेकर आते हैं। दुनिया वाले लोग क्या करते हैं? दुनिया के लोग आपको सुख देंगे या दुख देंगे। हमारे जीवन में क्या होगा? या तो सुख हो जाएगा या तो दुख होगा। पर जब भगवान की कथा में, भगवान के धाम में, भगवान के भजन में लगे रहते हैं तो क्या होता है? आनंद रहता है। आनंद मतलब क्या होता है? जब सुख और दुख से हम ऊपर उठ जाए, जब दुखी होने पर, कष्ट आने पर दुखी ना हो, और जीवन में बहुत सुख मिल जाए, बहुत आनंद मिल जाए, बहुत ज्यादा पैसे आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो ज्यादा अहंकार ना आए, ज्यादा खुश ना हो, उसे कहते हैं आनंद। सुख और दुख से ऊपर एक परिस्थिति होती है, एक स्थिति होती है, उसको कहते हैं आनंद। और आनंद क्या होते हैं? नंद के आनंद भयो, आनंद बने भगवान, आनंद बने परमात्मा, आनंद बने ब्रह्म, आनंद बने ईश्वर, आनंद बने कृष्ण कन्हैया। इसलिए कहा गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, क्योंकि जहाँ भगवान आ जाते हैं, जहाँ परमात्मा जहाँ कथा पहुंच जाती है, वहां तो आनंद ही आनंद होता है। सब लोग भगवान के जन्मोत्सव में बधाई देने आए, पर बलराम जी जो है ना, जो देवकी मैया के साथ में गर्भ थे, बलराम जी की मैया जो रोहिणी मैया, वो बधाई देने नहीं आई, वो आई नहीं। यशोदा मैया बोले सबको ही आया हमारे लाला के जन्मोत्सव में, लाला के जन्म के प्रकट के शुभ अवसर पर, रोहिणी भाभी नहीं आई। तो कहते नंद बाबा और यशोदा मैया कहां पहुंच गई? रोहिणी मैया के महल में। रोहिणी मैया से बोली भाभी हमारे लाला को नीक आशीर्वाद दे दो, हमारे घर में वृद्धावस्था के लाला भयो है, आप आशीर्वाद दे देंगी? तो रोहिणी जी कहती है मेरो आशीर्वाद सदैव है आपके लाला के ऊपर, पर मैं वहां नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि उनके पति वसुदेव जी महाराज जेल में बंद है, कंस के कारक ग्रह में है ना, भले ही कंस छोड़ दिया है फिर भी इनको मालूम नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है पति के जीवन में कष्ट हो, पति परेशान हो, किसी परेशानी में हो, विदेश में हो, परदेश में हो, तो पत्नी को ज्यादा साज श्रृंगार करके किसी भी उत्सव में जाना मना है। वसुदेव जी बोले, नंद जी बोले भाभी ये तो परमात्मा का जन्मोत्सव, आप यहीं से आशीर्वाद दे दो, हम मान लेंगे। कहते रोहिणी भैया थोड़ा घर से बाहर आई और आशीर्वाद दे दिए। शिवदेव स्वामी कहते हैं राजा आज भगवान का जन्मोत्सव मनाते मनाते बहुत दिन हो गए, परमात्मा के जन्मोत्सव में कौन कौन आ रहे हैं? सब लोग आए, पूरा ब्रह्मांड आ गया, पूरा संसार आ गया, सबको ही आ गया। और वहां कंस को बहुत टेंशन हुई, कंस तनाव में है, टेंशन में है, क्योंकि कंस का शत्रु जो है वो जन्म ले चुका है,
जो कंस तनाव में है। कंस ने रात्रि में बहुत बड़ी मीटिंग की, बैठक की पूरे राक्षसों को, अगस्त्य, देवका, केसी, जितने भी है सबको बुलाए, बोले भैया मेरे शत्रु ने, मुझे मारने वाले ने, मेरे काल ने इस ब्रजमंडल में कहीं पर जन्म ले लिया है, उसे तो मारो भैया जाके। उसी समय कहते पूतना आ गई और पूतना बोली भैया आप चिंता मत करो, आप एक भी चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और आपके शत्रु को मार कर आ जाऊंगा, आपके शत्रु को एक सेकंड में मार दूंगी। कैसे मारोगी बहन, एक महीने में जितने बालकों ने जन्म लिया होगा उन सबको एक एक से मार दूंगी, और मारने के बाद क्या करूंगी, वहां से निकल जाऊंगी, वहां से चली जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, आपका शत्रु मर जाएगा। आप निश्चित रहो, इस बहन के रहते, पूतना के रहते आप परेशान बिल्कुल ना हो। जय जय श्री राधे, सभी लोग बोलेंगे एक बार जय जय श्री राधे। अरे अंदर से दे रहा है ना, वहां तक मीटिंग कर रहा है, पर पूतना बोली मैं जाऊंगी और मार करके आऊंगी। उस बालक को जितने बालक लिए होंगे जन्म एक महीने में 28 दिन में सबको मार दूंगी। पूतना भगवान का विचार करते हुए वहां से चल गई। आइए आइए भगवान के चरणों में एक सुंदर बधाई, इसके बाद में आप कथा शुरू करेंगे। जय जय श्री राम। ओ चलो देखिया मैं नंदे गढ़ियाला हुआ, चलो देखिया मैं नंदे गढ़ियाला हुआ, चलो देखिया मैं नंदे गढ़ियाला हुआ, I'm not afraid.
भगवान की जय जय श्री राम भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से बड़े आनंद से सभी ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने मनाया है। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार भगवान के जन्मोत्सव में पहुंच गया। बहुत बधाई दे बाबा। अब कृष्ण का बहन जाओ मेरे शत्रु को मार कर दो आओ। और कहते हैं पूतना ने बड़ी मतलब स्त्री का रूप लिया। भगवान केवल अभी छह दिन के हैं कन्हैया पालने में लेटे हुए। पूतना पहुंच गई बहुत से बच्चों को मार दी और आखिरी में नंद महल के सामने जा